तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड वाला पार्ट है ना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ए पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए एंड बी। ठीक है, पहले मैं ए एंड बी बना लेता हूँ, बड़ा इजी है। ये मैंने ए एंड बी बनाया, ठीक है, ओके, दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी, राइट। और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पे 3, -5, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पे -4, 8, ठीक है। यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है P, लेट सपोज दिस इज़ द पॉइंट P, और ये जो P है ये लाइन सेगमेंट AP और PB को अलग अलग करता है, राइट। और ये इसके रेशियो क्या है, लेट सपोज AP का रेशियो देखिए K है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे K लिख देता हूँ, और PB का रेशियो 1 है, मतलब ये K रेशियो 1 में डिवाइडेड है। इफ़ पी लाइज ऑन द लाइन x + y = 0, तो मतलब जो ये पी है, ये लेट सपोज ये एक लाइन है यहाँ पे, और ये लाइन है x + y = 0 पे लाई करता है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बड़ा इजी है, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ x और y के। देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ मुझे गिवन है वो पहले मैं लिख लेता हूँ। तो देखो जो मेरा m है वो है मेरा k, जो n है, सॉरी, यहाँ पे जो मेरा n है वो है मेरा 1, ठीक है, जो मेरा x1 है वो है मेरा 3, जो मेरा y1 है वो है मेरा -5, जो मेरा x2 है वो है -4, और जो मेरा y2 है वो मेरा है 8। मैं फार्मूला लगाता हूँ और सेक्शन फार्मूला लगाता हूँ और एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वो एक्स को मैं वाई कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट m + n यहाँ पर x2 x1 कॉमा m + n y2 + n y1, ठीक है। ये देखिए मेरे सेक्शन फार्मूला लिख लिया, मुझे याद हो गया ये, है ना, आपको भी याद हो जाना चाहिए। m क्या हो जाएगा मेरा, देखिए मैं आप कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, m k इंटू x2 है मेरा -4 + 1 × 3 / k + 1, राइट। यहाँ पे हो जाएगा मेरा k, y2 है मेरा 8 + n है मेरा 1, y1 है मेरा -5 / k + 1, राइट। अब यहाँ पे बस मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये हो जाएगा -4k + 3 / k + 1, ये हो जाएगा 8k - 5 / k + 1, राइट। देखिए यहाँ पे ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ पे मेरा y कोऑर्डिनेट आ गया, और हमें क्वेश्चन में पता था कि जो p पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, वो x + y = 0 पे लाई करता है। तो देखिए ये x और y की वैल्यू मैं इस पे पुट कर देता हूँ और मेरे k का वैल्यू भी आ जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ -4k + 3 / k + 1 + वाई की वैल्यू है 8k - 5 / k + 1, राइट, = 0। अब यहाँ से मेरी क्या है, k की वैल्यू आ जाएगी, बड़ा इजी है, तो है ना। चलिए करते हैं, देखिए एलसीएम लूँगा मैं k + 1 का, तो ये पूरी एज इट इज़ वैल्यू सेम आ जाने वाली है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी मुझ पर यहाँ पे, k - 5 = 0, राइट। अब ये मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये पूरा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाने वाला है, 0। तो मेरे पे क्या बचेगा, सिर्फ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -4k + 3 + 8k - 5 = 0, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए 8k + -4k विच इज़ 4k, ठीक है, -2, ठीक है, -5 + 3 विच इज़ -2 = 0। अब मैं क्या करता हूँ, इस -2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4k = 2, राइट, और 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा k = 1/2। तो देखिए k की वैल्यू मैंने निकाल चुकी है क्या, 1/2, और बड़ा इजी हो गया ये सॉल्व करना, है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।